सेकेंड न्यूज़ है दिस इज अबाउट गवर्नमेंट थिंक टैंक फ्लैग्स केमिकल इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टकमिंग्स जो एक्टिव फार्मेक्यूटिकल इन्ग्रेडियंट्स हैं हम इम्पोर्ट करते हैं और इसमें शॉर्टकमिंग्स हैं सेल्फ रिलायंट में हम यहाँ पे लैक हो रहे हैं थर्ड इज अबाउट सुओ मोटो कंटेम्प्ट पावर इज इनहरेड ये आर्टिकल 129 ट्वेंटी नाइन यहाँ पर मैंशन किया है और बताया है दिस अटॉर्नी जनरल इज नॉट रिक्वायर्ड प्रायर कंसेंट फोर्थ इज अबाउट दिस डिकोडिंग सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन डॉटर्स राइट फिफ्थ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट्स एंड यहां हम देखेंगे टी सेल इम्यूनिटी सेवेंथ इज अबाउट एवरी चाइल्ड इज अ साइंटिस्ट क्लीनली ऑब्जर्वेंट एंड नेचुरल देन वॉट कॉजेज बॉडी ऑर्डर टू स्मेल पंजेंट ये जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियल डेवलपमेंट विल टॉक अबाउट इट नाइन्थ इज अबाउट हर्डल्स टू नागा पीस अभी ये फिर से न्यूज में है नागा पीस स्टॉक्स में हर्डल्स आ रहे हैं विल हैव अ लुक टेंथ बहुत अच्छा आर्टिकल है इसमें हम डिटेल में देखेंगे इज़राइल यू पैक्ट एंड इसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा गल्फ में और वेस्टर्न एशिया की जियो में देन आज हम बात करेंगे ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं इनका जनरेशन क्या होता है अर्थ का ये इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है और ये प्राइमरी और सेकेंड्री वेवस कैसे बनती है रेल वेव्स और दिस लव वेव में देन दिस इज़ सो टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अराउंड थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट सो लेटस बिगिन ये फ्रंट पेज है द हिंदू संडे आज संडे है तो आज एडिटोरियल नहीं आते हैं ये पहला न्यूज है यहाँ प्राइम मिनिस्टर के जो स्पीच है रेड फोर्ट से जो उन्होंने दिया विल हैव अ टॉक कि अनाउंसमेंट्स क्या हैं दिस न्यूज़ इज ऑल्सो कवर्ड इन इंडियन एक्सप्रेस एज वेल सी यहाँ जो की अनाउंसमेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो पहला अनाउंसमेंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ दिस हेल्थ आईडी एवरी इंडियन यस एवरी इंडियन विल बी गिवन अ हेल्थ आईडी जिसमें इंफॉर्मेशन होगी कि व्हाट डिसीज वन सफर्स फ्रॉम विच डॉक्टर हैज़ बीन कंसल्टेड एंड वॉट मेडिसिन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड तो हर एक इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया के पास एक ऐसा यूनिक आई दिया जाएगा यहाँ प्रधानमंत्री ने और एक अच्छी बात किया है कि फाइव करोड़ सैनिटरी पैड्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे फॉर रुपी वन टू सिक्स थाउजेंड एक रुपये में छः हजार जन औषधि केंद्र में एक्सेलेंट न्यूज़ ऑप्टिकल फाइबर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सिक्स लैक विलेजेस में कनेक्ट किया जाएगा वाई बिकॉज कोविड नाइन्टीन वर्ल्ड टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ इम्पोर्टेंट देन ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपये का एक फंड बनाया जा रहा है कंप्लीटिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो स्टक इन लिम्बो जो अभी अधूरे पड़े हुए हैं तो ये सब अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर ने किए नेशन फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट ऑन संडे अभी कंट्री दो बिग क्राइसिस से जूझ रहा है पहला है कोविड नाइन्टीन ये बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस है और दूसरा है ये टेंशन एट बॉर्डर टेंशनस एंड बॉर्डर लाइक हमने नेपाल का केस देखा न्यू मैप है पाकिस्तान का न्यू मैप है चाइना काफ़ी एग्रेशन दिखा रहा है एल में सो so there आर tensions एट बॉर्डर दिस इज नो टाइम टू बी ऑर्डिनरी अभी जरूरी है कि हम मीट करें हेल्थ रिक्वायरमेंट को हेल्थ के फ्रंट पे। इकोनॉमिक फ्रंट इज़ आल्सो वन थिंग बिकॉज हमने देखा था जी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इकोनॉमिक रिवाइवल इज आल्सो वन थिंग एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस आर देयर और ये पैरामाउंट होते हैं तो so, यहाँ बात है अगर हम हेल्थ की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि जो वैक्सीनेशन होगी जैसे ही वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी जैसे रशिया ने मीन अनाउंस कर दिया है कि दे हैव सक्सीडेड इन मेकिंग दिस वैक्सीनेशन मीन वाइल ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन इज देयर कोवैक्सीन इज देयर देन यूएसए की वैक्सीन ये सारे फ्रंट रनर्स हैं जैसे ही वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी तो एक लैबोरेट रोड मैप तैयार किया जाएगा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का एवरी टेस्ट डिसीज डायग्नोसिस और मेडिकल रिपोर्ट अलोंग विद मेडिसिन ये जो नया डिजिटल हेल्थ आईडी बन रहा है सिटीजन हेल्थ कार्ड आईडी, इसमें ये सारी चीज़ें स्टोर होगी तो दिस इज अगेन गोइंग टू हेल्प विथ टू मीट विथ दिस हेल्थ वाला क्राइसिस फ्रंट में नाउ ये फेस ऑफ क्राइसिस है क्राइसिस टाइम है बट यहाँ एक और बहुत अच्छी बात है कि वी इंडियंस कैन डू स्पिरिट ऑफ इंडियंस है हम ये हमेशा रखते हैं कि वी कैन डू इट हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहता है वी कैन डू इट और ये जो स्पिरिट है ये काफ़ी हेल्प करेगा इस फेस ऑफ क्राइसिस में यहाँ जो टॉक है मैंस्ट्रोअल हेल्थ का और ये जो पाँच करोड़ सैनिटरी पैड्स होंगे केवल एक रुपये में ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे छः हज़ार जन औषधि केंद्र में दिस इज़ अगेन एन एक्सलेंट न्यूज़ यहाँ अगर डिजिटल हेल्थ आईडी की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस बोलता है कि यहाँ पे एक प्राइवेसी चैलेंज आएगा ये जो यूनिक हेल्थ आई है ये जो प्रोजेक्ट है ये कम करता है एले करता है कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल दिस एक्सेस पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट फॉर्म्स होगा लिमिटेड टू आउटसाइड ऑफ मोस्ट कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ये रेड फ्लैग्स है अगेन प्राइवेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वेरी क्रूशियल थिंग और प्राइवेसी का यहाँ पे कंसर्स है ऑनलाइन हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे एबसेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ होगा तो ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर भी बन सकता है प्राइवेसी इज द चैलेंज तो प्राइम मिनिस्टर ने तीन यहाँ पे जो बात कही है पहला तो उन्होंने कोविड के बारे में कहा कि जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जैसे ही वो फाइनल अवेलेबल होता है क्विकली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेकेंड इज अबाउट विलेजेस ऑप्टिकल फाइबर और ये एक प्रोजेक्ट गेंगा भी है प्रोजेक्ट गेंगेटिक तो यहाँ प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन्स होती हैं गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं इनके रिवाइवल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे प्रोजेक्ट लॉयन भी सोन लॉन्च होगा दो बड़े और प्रॉब्लम इन्होंने यहाँ पे बताए हैं वन इज टेररिज्म और दूसरा एक्सपेंशनिज्म एक्सपेंशनिज्म से चाइना का वी नीड टू फाइट विद दिस वेलियंटली सिग्नल्स किए हैं कि पोल होगा जम्मू एंड कश्मीर में आफ्टर दिस डीलिमिटेशन प्रोसेस लक्षद्वीप को फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्ट किया जाएगा अभी कपल ऑफ डेज बैक देखा था अंडमान एंड निकोबार को चेन्नई से कनेक्ट किया गया था गुड रिलेशंस जो हैं वो हम एम्फेसाइज करेंगे वाइडर नेबरहुड में मतलब हमारा जैसे एशियान है देन हमारा इमीडिएट नेबर्स हैं इसके दूर के भी जो वाइडर नेबरहुड्स हैं इंडिया विल ट्राई कि हम वहाँ पे एक गुड बेटर रिलेशन डेवलप करें प्राइम मिनिस्टर ने एक और चीज़ कहा है दिस एन सी सी नेशनल कैडेट को विल बी रेजिंग अ वॉल्ट्री कैडेट फोर्स ऑफ नियरली अ लैख यंग पीपल इन दीज एरियाज सो एन सी सी इज़ अगेन वेरी वेरी गुड थिंग यूनिटी एंड डिसिप्लिन मैंने भी एन सी सी किया है एन सी 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 सर्टिफिकेट ए ग्रेड सीनियर अंडर ऑफिसर रिपब्लिक डे ये बहुत अच्छी चीज़ होती है एन सी सी इफ़ यू गेट टाइम इफ़ यू हैव दिस इन योर कॉलेज डू जॉइन इट एन सी सी रियली हेल्प्स यूनिटी एंड डिसिप्लिन हेल्थ फ्रंट पे डिसिप्लिन आता है लीडरशिप स्किल्स आती है दिस इज़ एन एक्सेलेंट थिंग यूनिटी एंड डिसिप्लिन मेक इन इंडिया का एम्फेसाइज है हमारा बट इसके साथ ही साथ मेक फॉर वर्ल्ड भी होगा रिकन्सिडर करेंगे द मैंडेटेड मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन अभी कितना है ये 18 साल है इसको बढ़ा के ट्वेंटी ईयर करने की बात है वाई बिकॉज एटीन ईयर्स है तो इसके कारण हेल्थ चैलेंजेस आते हैं मटर्नल मोर्टेलिटी रेशो इंडिया का ज़्यादा है रेट ज़्यादा है न्यूट्रिशन बेनिफिट भी इससे होगा अगर हम इसे ट्वेंटी वन ईयर कर देंगे गवर्नमेंट इज थिंकिंग 18 से बढ़ा के इसको 21 कर देते हैं सो दीज आर सम हाईलाइट जो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे रेड फोर्ट में यहाँ पे बताया है नाउ बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो भी न्यूज आइटम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन सो लेट इस ट्राई टू प्रिपेयर अट नोट ऑन दिस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बिकॉज हेल्थ इज ओन प्रायोरिटी कोविड नाइन्टीन बैकड्रॉप इसमें बहुत सारे नए बात भी कहा है जैसे डिजिटल आई डी एंड ऑल नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है हम जब ऐसे शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते हैं ना यू हैव लिसन टू दिस आर्टिकल यू हैव लिसन टू दिस थिंग नाउ वेन यू वुड राइट दिस डाउन इसको समराइज करेंगे इन योर ओन वर्ड्स ओन अंडरस्टैंडिंग तो ये चीज हमेशा के लिए कॉन्सोलिडेट हो जाएगी एंड दैट इज वॉट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग सो नैशनल डिजिटल हेल्थ मिशन राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट सो दिस इज द फर्स्ट पेज फ्रंट पेज में ये फर्स्ट न्यूज है कंसिडर मी रिटायर्ड सेज धोनी कल इंस्टाग्राम में धोनी विल टॉक अबाउट दिस इन स्पोर्ट्स सेक्शन

ये ऑक्जीमीटर्स हैं यहाँ पे ऑक्जीमीटर्स दिए जाएंगे कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स सो दैट उनका अगर होम क्वारंटाइन भी है तो उनको हेल्प होगा ये न्यूज है दिस इज अबाउट नो आइडल इमर्जन ड्यूरिंग गणेशोत्सव वाई बिकॉज मैनी टाइम्स इसमें जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है तो उससे पॉलिटिंग हो सकता है वो देन दिस इज इलीगल डेयरी फार्म और दिस इज एनक्रोचमेंट दिस इज पेज नंबर थ्री दिस इज पेज नंबर फोर ये पेज नंबर फाइव है राइज इन कोविड 19 केसेज इन रूरल एरियाज वरिंग नो दिस इज अ सीरियस कॉज ऑफ वरी वाई बिकॉज रूरल एरियाज में प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी नहीं होगी और कोविड नाइन्टीन केसेज इस एरिया में स्प्रेड हो रहे हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर हेल्थ केयर नाइटमेयर बन सकता है ग्रास रूट डेवलपमेंट जरूरी होता है फ्रेम पॉलिसीज करें फॉर ग्रास रूट डेवलपमेंट

सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ रिकॉर्ड होगा दिस इज एन एक्सेलेंट स्टेप फॉरवर्ड बट प्रॉपर दिस सेव गार्ड इज हैज टू बी देयर प्रॉपर रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हैजू बी देयर अदरवाइज ये एक प्राइवेसी नाइटमेर भी हो सकता है देन दिस इज मिस्टर ऑयली ने अभी प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया था और नॉर्मेलसी ऑफ रिलेशन की बात है इंडिया एंड नेपाल ये आई के पर्सनल है आई चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसको गार्ड करते हैं सेवेंटी फोर्थ इंडिपेंडेंस डे ऑन द बैंक्स ऑफ दिस पैंग लेक इन लद्दाख देन ये कल्चर मिनिस्ट्री है ये इंडिपेंडेंस डे के जो शो हैं इसको ऑनलाइन में प्रोड्यूस करने का रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले का बात है स्वाधीनता के रंग देन दिस इज पेज नंबर एट यहां पे है गवर्नमेंट थिंक टैंक फ्लैग्स केमिकल इंडस्ट्री इंफ्रा शॉर्ट कमिंग नाउ दिस इज द न्यूज विल कवर सी ये है हमारा फार्मेसी इंडिया को बैकयार्ड माना जाता है फार्मेसी दिस काफ़ी प्रोमिनेंट है बट द पॉइंट इज इसके जो एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट है रॉ मटेरियल है वो ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन चाइना फॉर दिस क्लोरोक्वीन एंड हाइड्रोक्सो क्लोरोक्वीन यहाँ ये हाईलाइट है एक थिंक टैंक है थिंक टैंक ने रिपोर्ट दिया है टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल ये यूनियन साइंस मिनिस्ट्री थिंक टैंक ने बताया है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं ऑन दिस चाइना हमारे यहाँ लैक है टेक्नोलॉजी का प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैन्युफैक्चर कर सके की कंपोनेंट कॉस्ट इफेक्टिव वे में कॉस्ट इफेक्टिव वे में ये ए और जो फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं और वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में भी हो तो वी आर लैगिंग इन दिस प्रोडक्शन कैपेसिटी जो कॉस्ट इफेक्टिव हो और कॉम्पिटेटिव हो और दिस इज़ वॉट जो हमारे केमिकल इंडस्ट्री को पुल बैक कर रही है इंडिया डिपेंड करता है चाइना पे 67 परसेंट ऑफ केमिकल इंटरमीडिएट्स एंड एपीआई दैट इट नीड्स टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स एंड एक्सपोर्ट तो हम क्या करते हैं ये एपीआई और इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट करते हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं बट द पॉइंट इज ये सप्लाई साइड बॉटल नेक आता है तो वी आर नॉट सेल्फ़ रिलायंट इन दिस फील्ड दैट इज वॉट वी शुड ट्राई टू डू सेल्फ रिलायंट इन दिस फार्मेसी इज डिजायरेबल तो दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स कि यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टकमिंग हैं, इसको बॉटल नेक को दूर करना इज शुड बी अवर प्रायोरिटी ये रशियन वैक्सीनेशन अभी न्यूज में है यहाँ कोर्ट ने कहा है कि जो सुओ मोटो कंटेम्प्टॉवर है वो इनहरेंट है सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर अवमानना हो रहा है स्कैंडलाइज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट अपना यूज कर सकती है इसमें उसे प्रायर कंसेंट की ज़रूरत नहीं है अटॉर्नी जनरल का अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में आता है टेल नाउ यहाँ बात है ऑफ़ कोर्ट एक्ट 1971 जो आया था ये लिमिट नहीं करता है पावर ऑफ द कोर्ट को जो स्टैचू है वो प्रोवाइड करता है कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए सच कंटेम्प टू बी इनिशिएटेड बट जो कंटेम्प्ट इनिशिएट करना है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया आप उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो या आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट मीडिया में राइटिंग न्यूज़पेपर एनी वेयर इफ़ यू आर राइटिंग डूइंग समथिंग विच इज स्कैंडलाइजिंग द वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल द राइट टू पुट यू अंडर दिस नेचुरल जस्टिस यहाँ पे इंश्योर करना सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी होती है सुओ so, मोटो जो कंटेम्प्ट है अगेन आर्टिकल 129 हमने पढ़ा था आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को बोलता है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट्सल्फ तो यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं अभी एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का, का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा था कि ये जो कंटेमट है ये सुप्रीम कोर्ट यूज कर रही है टू मजल डाउन डिफरेंस ऑफ वॉइस और डिफरेंट ओपिनियंस एक्सेट्रा क्रिटिसिज्म को वो हैंडल नहीं कर पा रही है बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो दे आर विद इन देयर पावर ये इनहेरेंट है कंटेम्प्ट का पावर सो दिस इज द न्यूज नाउ ये पेज नंबर नाइन है बाइडन एंड दिस यूएस इलेक्शन दिस अफगानिस्तान ये UAE की डील है यूए की डील अभी हम बात करते हैं इसका वेस्टर्न एशिया में जियो पॉलिटिक्स में क्या इंपैक्ट होने वाले हैं दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज ओनली थर्ड कंट्री यू बन गया है दिस गल्फ रीजन में जिसके डिप्लोमेटिक टाइज होंगे इसराइल के साथ ये पैंटागन एक सेट कर रहा है यू एफ ओ टास्क फोर्स एरियल फेनोमिन टास्क फोर्स यहाँ पे करेगा अन आइडेंटिफाइड एरियल फेनोमिन दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग न्यूज सो ये है पेज नंबर नाइन वर्ल्ड न्यूज है नाउ दिस इज पेज नंबर टेन ओल्ड गोल्ड और ज्वेलरी होता है उसमें अट्रैक्ट होगा अब तीन प्रतिशत जीएसटी का सेल ऑफ गोल्ड ओल्ड गोल्ड पुराना गोल्ड है ज्वेलरी है इसलिए किया जा रहा है ताकि टैक्स इवेजन को यहां पे स्टॉप किया जा सके नाउ यह बहुत अच्छे से एक्सप्लेनर में दिया है डिकोडिंग सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन डॉटर्स राइट सो दैट इज वाई आई हैव टेकन द एंटायर स्क्रीन शॉट एंड प्लेसड इट ओवर हेयर डिकोडिंग सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन डॉटर्स राइट सी सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो डॉटर्स हैं दे आर इक्वल टू सन इक्वल बर्थ राइट है जन्म सिद्ध अधिकार है टू इनहर कोपारसनरी प्रॉपर्टी एंड टू थाउजेंड फाइव अमेंडमेंट मेड हिंदू सक्सेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स तो नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में एक्ट आया उसका दो हजार पाँच में अमेंडमेंट आया उसमें कुछ चीज़ें थी वो क्लैरिटी नहीं थी क्लैरिटी अब ये हो गया है कि ये जो राइट्स है ये बाय बर्थ होंगे मतलब बाय बर्थ गर्ल चाइल्ड इज इक्वल टू बॉय चाइल्ड बाय बर्थ सेकेंड 2005 में जब ये आया था तो उसमें लिविंग स्टेटस क्या था फादर का फादर ऑफ दिस गर्ल चाइल्ड का वो मैटर नहीं करेगा गर्ल का जब से जन्म हुआ है तब से वो इक्वली इलिजिबल है फॉर दिस दिस एंसेस्टरल दिस इनहेरिटेंस राइट के लिए तो ये 2005 का अमेंडमेंट था इसमें पहले जो 1956 में आया था उसका अमेंडमेंट करके इक्वल किया था बट इसमें कुछ चीज़ें में क्लैरिटी नहीं थी अमेंडमेंट वॉज टू कॉन्फर इक्वल स्टेटस टू सन्स एंड डॉटर्स ऑफ को पार्सनर्स प्रायर टू दिस ये जो राइट्स थे ये ग्रांटेड केवल सनस ऑफर दिस कोपार्स जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है एच यू एफ होता है तो इसमें इनहरिटेंस होते हैं अभी हम ये देखेंगे आगे एक और आर्टिकल है कोपारसेनर का इसमें लिखा है कि जैसे अप टू तो थ्री जनरेशन तक ये वैलिड होता है देन इसमें और क्या सर्टन प्रोविजन होते हैं ये ब्रिटिश का एक कॉन्सेप्ट था जहाँ पर यह आया था दिस इन्हरिटेंस के राइट्स एंड ऑल तो को पार्सनर वो होता है वू अक्वायर राइट टू देयर फादर्स प्रॉपर्टी अपॉन बर्थ एंड कैन क्लेम अ पार्टीशन ऑफ द को पार्सनरी एट एनी टाइम इसमें बराबर हो गया है दिस गर्ल एंड दिस बॉय चाइल्ड वॉट आर दंडीशन कंडीशन ये है कि बाय बर्थ अब ये एप्लीकेबल होगा एच यू एफ जो होती है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है दिसमें वन इज द को पार्सनर है देन सेकेंड कैटेगरी में वाइफ हुई मेनटेनेंस एंड ऑल ये पूरा कंप्लीट एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिस्टम होता है वॉट कैन डॉटर्स डू डॉटर्स अब इक्वल कोपार्सनरी राइट्स अपने यहाँ पर क्लेम कर सकती है वर्डिक्ड इम्पैक्ट करेगा फैमिली बिजनेस इन अदर का तो जजमेंट केवल अप्लाई होगा एच यू एफ प्रॉपर्टी बट अब जैसे फैमिली पैटर्न चेंज हो रहा है पहले अनडिवाइडेड फैमिली होती थी अब न्यूक्लियर फैमिली भी हो रही है बिजनेसिस जो होते हैं उनका भी फॉर्म एंड दिस दिस कैरेक्टर चेंज हो रहा है तो ये जो एच यू एफ है इसका जो एम्बिट है वो काफ़ी नैरो है डज नॉट अफेक्ट पर्सनल और सेल्फ अक्वायर्ड एसेट्स में ये एच यू एफ नहीं आएगा अगर एच यू एफ नहीं आएगा तो फिर ये कोपार्सनरी का भी थिंग वहाँ पर नहीं आएगा तो इन रियलिटी मोस्ट पर्सनल वेल्थ है ऑनरशिप है वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस है ये सब पर्सनल नेम्स में होते हैं पैट्रिया के जो मुखिया है प्रमोटर्स के या प्राइवेट ट्रस्ट के या फिर ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है तो दैट इज वाई इस केस में एच यू एफ नहीं लगेगा एच यू एफ नहीं लगेगा मतलब यहाँ यहां पर कोपार्सनरी के जो चीजें वो एप्लीकेबल नहीं होंगी बट जहाँ एच यू एफ लगेगा वहाँ पे गर्ल चाइल्ड इज इक्वल टू बॉय चाइल्ड ओल्डर बिजनेस जो फैमिलीज हैं कंटिन्यू टू होल्ड एनसेस्टरल वेल्थ है स्केल एंड दिस होल्डिंग यूजली लिमिटेड रहेगी बट नो बिजनेस फैमिली सेटिंग अप और एग्जिस्टिंग एच यू एफ भी डिजोल्व हो रहे हैं तो दैट इज बाय बिजनेस में अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली ये इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा तो दिस इज अबाउट दिस डॉटर्स राइट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेंड द मैसेज ये जो मैसेज गया है ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है दैट इज अबाउट दिस जेंडर इक्वेलिटी दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट नाउ इस पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये काफ़ी न्यूज़ में भी है एंड वी शुड हैव अ गुड व्यू पॉइंट ऑन दिस टॉपिक वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर लेट्स ट्राई टू discuss this question. Then, number, दिस क्वेश्चन देन ये पेज नंबर दिस यहाँ पे बात है जो लॉजिस्टिक्स होते हैं लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं ये बैकग्राउंड सपोर्ट वर्क ये सारी चीज़ें होती है ये लॉजिस्टिक्स ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए काम करने के लिए इस लॉजिस्टिक्स को अब बात कर रहे हैं इंडस्ट्री टैग दे दें ताकि इसमें जैसे हम पुश हो जाएगा यहाँ पे ग्रोथ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ यहाँ पे रैपिड होगा तो बंगाल यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि लॉजिस्टिक्स को भी इंडस्ट्री टैग हम दे दें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इजी होगा कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू डेवलप लॉजिस्टिक रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी ईजियर हो जाएगा यहाँ पे सो दे आर थिंकिंग ऑन दिस ये है देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके स्नैपशॉट में पहला है मिल्क पज़ल सी कुछ लोग होते हैं वो लैक्टोज उनको एलर्जी होती है मिल्क उनको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे बताया है कि एडल्टज होते हैं एंजाइम लैक्टेज होता है लैक्टोज टॉलरेट वो डाइजेस्ट करने में ज़रूरी होता है तो मोस्ट दिस पेस्टोरल डोंट हैव द एबिलिटी टू डाइजेस्ट मिल्क बियॉन्ड इन्फेंसी तो यू वुड सी देर आर सो मेनी पीपल वो मिल्क उनको इतना सूट नहीं करता है बिकॉज वहाँ पे इनको लैक्टोज से दे आर नॉट कॉम्पेटेबल तो दिस इज़ वन स्टडी अबाउट दैट कि परमेंटेटिंग मिल्क और सेलेक्टिंग दिस बायो बाई फाइडो बैक्टीरियाज पार्ट ऑफ देयर गट माइक्रोबिया दिस इज द मिल्क पजल दे आर ट्राइंग टू सॉल्व कि एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे दिस प्रोसेस में ये स्वॉम हंटिंग है ये क्या होते हैं लॉक्यूस्ट होते हैं लॉक्यूस्ट अभी फिर इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज जो डेजर्ट्स हैं या फिर जो राजस्थान के ये वाले पार्ट हैं यहाँ अभी न्यूज़ है जोधपुर के इंस्टीट्यूट ने भी बोला था यहाँ माँ स्केल में ब्रीडिंग हुआ है और यहाँ पर माँ स्केल में ये स्वाम डेवलप हो रहा है लॉक्यूस्ट का यहाँ पर डेवलप हो रहा है टिड्डे होते हैं ये और टिड्डे जब बहुत सारे एक साथ मिल जाते हैं तो ये स्वॉर्म ऑफ लॉकस्ट हो जाता है और ये स्वॉम ऑफ लॉकस्ट अटैक करता है स्टैंडिंग क्रॉप जो होती है ये विद इन आवर्स विद इन डेज पूरी स्टैंडिंग क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देता है वी हैव प्रिपेयर्ड वेरी गुड नोट लॉकस्ट पे टेलीग्राम हैव अ लुक ये जो पी डी एफ में वी हैव शेयर्ड वेरी वेरी गुड नोट ऑफ दिस फॉम जो अटैक हुआ था लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में इसका पूरा डेवलपमेंट देखा है कि कैसे ये अटैक हुआ अफ्रीका हॉर्न ऑफ आफ अफ्रीका देन ईरान देन पाकिस्तान देन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फेवरेबल कंडीशन के थी क्लाइमेट चेंज क्या थे। वेरी गुड नोट हैव अ लोक ये अबाउट सेलेक्टिंग फोर्ज है इसमें बात है कन्वर्जन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स टू ह्यूमन यूज मे हेल्प दोज एनिमल प्रोलिफरेट दैट ट्रांसमिट ह्यूमन जूनॉटिक जूनॉटिक वर्ड अभी बहुत न्यूज़ में है जूनॉटिक डिसजेज़ वो डिसीजेज होती हैं जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होती है ये जो फॉरेस्ट होता है ये रिजर्वायर होता है सो मैनी डिसीजेज़ का अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता है तो ये डिसीजे लेट ओपन हो जाती है और ये ह्यूमन सेटलमेंट में आती है एंड देन दे स्टार्ट इम्पैक्टिंग अवर लाइफ एंड हेल्थ तो ये बताया है कि ये स्पीशीज़ विनर इन सच कन्वर्जन इकोलॉजिकल जर्नलिस्ट दे आर मोर लाइकली टू हार्बर डिसीज कॉजिंग पैथोजन लूजर्स द स्पेशलिस्ट तो सम टाइप ऑफ दिस एनिमल्स है नेचुरल हैबिटेट इनका ओवरलैप हो रहा है ह्यूमन से एंड दे आर ट्रांसमिटिंग दिज डिस टू ह्यूमन तो दिस इज वन फाइंडिंग ये बात है देन नेक्स्ट है अबाउट दिस टी सेल टी सेल इम्यूनिटी प्रिवेंट्स रेकरेंट जो बार बार होता है रेकरेंट सीवियर कोविड नाइन्टीन डिसीजेज सी हमने अभी सैरो सर्वे करवाया था दिल्ली एंड कुछ सिटीज़ में भी सैरो सर्वे ये होता है कि हम देखें बॉडी में कितनी एंटीबॉडी डेवलप है फॉर दिस पर्टिकुलर दिस कोविड नाइन्टीन के कारण अगर बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप है मतलब बॉडी एक्सपोज हुई होगी कोविड नाइन्टीन या सम टाइप ऑफ इन्फेक्शन तो इन अ वे इनडायरेक्टली हम पता लगा लेंगे कोविड नाइन्टीन का कहाँ पे कितना इम्पैक्ट हुआ है सैरो सर्वे बताता है एक्सपोजर टू कोविड नाइन्टीन पैथोजेंस ने अटैक किया बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हुआ ये इसका प्रेजेंस चेक होता है बट जो एंटीबॉडी होती है ये केवल एक तरीका नहीं है इम्यूनिटी जो रेकरेंट सीवियर कोविड नाइन्टीन डिसीज को स्टॉप करे एक होते हैं टी सेल्स टी सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स ये थाइमस ग्लैंड में बनते हैं टी सेल्स का सेंट्रल रोल होता है इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करने में इन टी सेल्स की मेमोरी भी होती है तो मैनी टाइम्स हमने ये देखा बॉडीज़ में कि वहाँ एंटीबॉडी तो नहीं है एंटीबॉडी चली गई बट जो टी सेल्स हैं उनके पास मेमोरी है कोविड नाइन्टीन पैथोजन का तो कोविड नाइन्टीन पैथोजन अटैक करता है तो ये टी सेल्स उसको स्टॉप कर देते हैं आउट ऑफ फ्रॉम मेमोरी से मेमोरी का यूज़ करते हैं और इसको वार्ड ऑफ करते हैं इन्फेक्शन नहीं होने देते तो हम जो सैरो सर्वे से जो रिजल्ट्स फाइंड कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि जो एक्चुअल इम्यूनिटी है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है दिस इम्यूनिटी बिकॉज टी सेल्स का हम यहाँ पे नहीं चेक कर रहे हैं तो ये स्टडी शो करती है प्रीवियसली अनएंटिसिपेटेड डिग्री ऑफ पॉपुलेशन लेवल इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन तो इट इज़ पॉसिबल कि इम्यूनिटी कहीं ज़्यादा है हमारी इस कोविड नाइन्टीन का थ्योरी दिस इज अगेन वन थ्योरी कोविड नाइन्टीन रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं डिफरेंट थ्योरीज वो यहाँ पर सजेस्ट करते हैं तो वॉट वी शुड नो इज़ दिस टी सेल ये क्या होता है लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड सेंट्रल रोल इम्यून रेस्पॉन्स तो ये इम्यून सिस्टम एलिसिट करता है रोबस्ट ब्रॉड फंक्शनल मेमोरी टी सेल को और वो हमें बचाता है दिस कोविड के रिकरेंट अटैक से तो दिस इज अगेन वन थ्योरी ये जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट दिस आइडेंटिफाइंग ब्रेन डैमेज आवर्स आफ्टर बर्थ दिस इज ऑल्सो वन थ्योरी हाइपोथर्मिया यहाँ पे डिस्कस किया है ये ब्लैक होल विस्पर्स है अगेन वन थ्योरी की आज से 1970 में सी विश्वेश्वर या अगस्त 1970 ये ब्लैक होल्स उन्होंने डिस्कस किया था दिस इज अगेन वन थ्योरी एवरी चाइल्ड इज साइंटिस्ट कीनली ऑब्जर्वेंट एंड नेचुरल दिस वी विल डिस्कस सी चाइल्ड होता है नेचुरल साइंटिस्ट है नेचुरल ऑब्जर्व कर रहा है डेसिफर कर रहा है न्यू व्यू पॉइंट्स है लर्निंग जो होती है टू ट्रांसफॉर्म साइंस इनटू सोसाइटल वैल्यू ये बहुत ज़रूरी होती है साइंस है साइंस का यूटिलिटी है सोसाइटल वैल्यू में प्रमोटिंग दिस एबिलिटी एंड अलाउविंग इट टू फ्लरिश जो नेचुरल होता है ना उसको प्रमोट करना है और फ्लरिश करने देना है फॉर एग्जाम्पल इसमें साइंस में एक और चीज़ होती है कि आपने एक फाइंडिंग किया वो फाइंडिंग यूनिवर्सली ट्रुथ होनी चाहिए तब फिर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल नॉर्मन बॉर्डो नॉर्मन बॉर्डो दिस फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन बोर्लो डिस्कवरी दैट मैक्सिकन वॉफ वेराइटी ये एक वेराइटी था वीट प्लांट्स का ये हायर इल्ड दे रहा था बिकॉज ग्रीन रिवोल्यूशन इज ऑल अबाउट हाई वेराइटी सीड्स ये हायर इल्ड दे रहा था इंडिपेंडेंटली उसको टेस्ट किया प्रूव किया अलग अलग जगह पे और इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन ने तो देट लेड टू दिस ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया सो दैट इज द थिंग विद दिस साइंस के जो पॉस्टुलेट्स होते हैं डिक्टम्स होते हैं ये यूनिवर्सली ट्रुथ होने चाहिए If you have said this thing, it should be universally applicable all over the world. Different case scenario, different test conditions. So verification, this is important. Scientific jo findings hoti hai isme test zaruri hota hai Repeated or universal validation is important. एक इसमें एक और experiment कहा है article में that is this white socks experiment. इसमें क्या होता है बच्चों को white socks पहनाके से nature में बाहर send किया. जब वो वापस आए तो सॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चिपकी हुई थी वो अलग अलग चीज़ें वो आइडेंटिफाई किया उन्होंने बच्चों ने और फिर उसको डर्ट को सीड्स को सो मैनी अदर थिंग्स उसको चेक किया एनालाइज किया और इससे क्या होता है सेल्फ लर्निंग होती है सो दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग कि टीचर का रोल होता है से फिफ्टी परसेंट प्लेटफॉर्म तैयार करना डायरेक्शन देना गाइड करना मोटिवेट करना और एक बताना इसको ऐसे करना है जो नेक्स्ट फिफ्टी परसेंट होता है वो फिर स्टूडेंट की तरफ से आता है और ये जो तरीका होता है ये बहुत अच्छा तरीका होता है दिस स्टडी का लास्टिंग ज़्यादा होती है अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है क्यूरियोसिटी आती है इंटरेस्ट आता है मोटिवेशन आता है चीज़ें अपने आप स्टडी जो होती है ना वो बर्डन नहीं होता वो हो जाता है दिस इन्जॉयमेंट तो ये ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं उनमें हम साइंस के लिए मैथमेटिक्स के लिए ये जो उनका नेचुरल ऑब्जर्वेंट स्किल्स है नेचुरल जो है उनका इंक्लिनेशन उसको हम एनकरेज करें प्रमोट करें सो अगेन वन गुड थिंग ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस ऑर्डर ये जो ऑर्डर होती है मोस्ट ऑफ द जो ऑर्डर होती है मतलब बैड स्मेल होती है ये होती है बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया ये जो आम पेट में होता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वोलाटाइल फैटी एसिड्स होते हैं थायो अल्कोहल्स होते हैं ये प्राइमरी कॉम्पोनेंट है दिस बैड स्मेल का जो बैड ऑर्डर आती है अब इसको हम स्टडी क्यों कर रहे हैं स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज स्टडी करेंगे तो अभी तो इसका सॉल्यूशन फाइंड होगा टारगेटेड सोल्यूशंस फाइंड करेंगे सो दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू स्टडी द थिंग इज दिस इज बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया दैट इज वाई हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये देन एफ सेक्शन है फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अबाउट दिस नागा पीस नागा पीस नागालैंड नागा पीस फिर से अभी न्यूज़ में है ये एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में सेंटर और दिस आईसेक मोविया फैक्शन ऑफ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागाल एन एस सी आई एन आई एम में दो में था थिंग वॉज इसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेसी भी था सर्टेन सीक्रेसी था हर चीज़ ओपन में नहीं आया था फ्रेश हर्डल्स अब आ रहे हैं इसके अग्रीमेंट में आगे बढ़ने में एन एस सी आई एन आई एम की तरफ से बात है कि ये जो टॉक्स है फटीक हो रहा है यहाँ पे ग्रोइंग इमपेश है और इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो मॉडिफाई हो रहे हैं तो दैट इज़ वाई पीस प्रोसेस अभी वॉबल कर रहा है 1975 में शिलोंग अकॉर्ड एक आया था बट वो भी ड्रॉप करना पड़ा ग्रुप में इंटरनल डिफरेंसेस भी होता है ये यहाँ पे ये ट्राइबल्स हैं ऑटोनॉमी ज़्यादा चाहते हैं कल्चर इनका ज़्यादा है दे वांट सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी तो दैट इज़ वाई ये क्रिएट होता है यहाँ पे हर्डल्स हैं इंटरनल डिविजन्स भी हैं यहाँ पे अब इनकी डिमांड है कि ये ग्रेटर नागालिम हो और ये जो ग्रेटर नागालिम की जो डिमांड है ये जो नागालिम होगा नागा ट्राइब्स ये म्यांमार में है अरुणाचल असम मणिपुर इतने पूरे एरिया में ये ग्रेटर नागालैंड चाहते हैं तो ये भी फिर ऑब्जेक्शन उठाते हैं सो दैट इज़ वाई यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं प्लेयर्स हैं और ये पीस प्रोसेस में अभी फिर से वॉबल आ रहे हैं एंड इसमें जो 2015 का पैक्ट साइन हुआ था उसमें सर्टेन सीक्रेसी भी है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी एंड अदर रीजन हर चीज़ ओपन यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की गई है तो यहाँ पे फ्रेश हर्डल्स आ रहे हैं टू नागा पीस प्रोसेस अभी हम जो एम सॉल्व कर रहे हैं एवरी डे ट्वेंटी क्वेश्चन इन थर्टी मिनट्स उसमें हमने पढ़ा था दिस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में भी शेड्यूल सिक्स के बारे में भी हमने पढ़ा था ट्राइबल्स के बारे में देखा था तो ट्राइबल्स का जो एक डिस्टिंक्ट कल्चर होता है उसको प्रोमिनेंट उसको कंजर्व करने के लिए सर्टेन रिलैक्सेशन देते हैं दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ये मैंशन है सो दिस इज़ अबाउट हर्डल्स टू नागा पीस ये जो टेंथ न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस हाउ विल द इजराइल यू ए ई इम्पैक्ट द गल्फ अगेन अ वेरी गुड न्यूज़ ये डील है क्या पहले तो यू ए यूनाइटेड अरब एमिरट्स यू में कितने एमिरेट्स हैं आंसर दिस क्वेश्चन यू ए ग्रुप है ये यू में कितने एमरेट्स हैं काफी पहले हमने इसको एक बार देखा था यू में कितने एमरेट्स हैं यूनाइटेड अरब एमरेट्स तो यू और इसराइल ये दोनों अब फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएंगे एक्सचेंज होगा इसराइल वुड सस्पेंड इट्स प्लान टू तो एनेक्स पार्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक तो इसराइल और फलस्तीन का इशू है गाज़ा स्ट्रिप का और इधर है वेस्ट बैंक का तो वेस्ट बैंक में कुछ एरिया एनेक्सेशन का प्लान था इसराइल का वो उसको ड्रॉप करेगा और फिर यूएई और इसराइल आपस में यहाँ पे डिप्लोमेटिक फॉर्मल रिलेशन डेवलप करेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट दिस डील पैक्ट जो हुआ है वो ये पैक्ट है इसके अलावा यह इन्वेस्टमेंट टूरिज्म डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगी सिक्योरिटी टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी एनर्जी हेल्थ केयर कल्चर एनवायरमेंट रेसिप्रोकल एम्बेसीज होगी तो फुल ऑन यहाँ पे कोऑपरेशन होगा प्रमोशन होगा पायलट्रल रिलेशन्स का अब द पॉइंट इज ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी तक ये तीसरी कंट्री होगी यहाँ पे इजिप्ट के रिलेशन्स है जॉर्डन के रिलेशन्स है और अब यू के रिलेशन्स होंगे इसराइल के इसराइल जब से बना था ना इसराइल को रिकोगनाइज भी नहीं किया गया था एज अ नेशन बट अब यहाँ पे ये होगा इजिप्ट के साथ शुरू में फाइट हुआ स्नाए पैनन्ला काफ़ी कैप्चर कर लिया था इसराइल ने फिर एक कैंप डेविड अकॉर्ड होता है 1978 में इसमें वो इसराइल पेनसुल्ला को विड्रॉ करता है इसराइल और फिर उसके एक्सचेंज में इजिप्ट और इसराइल का यहाँ पे फॉर्मलटाइज स्टार्ट हो जाते हैं इजिप्ट रिकोगनाइज करता है इसराइल को और ये इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन बिगिन होता है जॉर्डन के केस में अगेन एक पलस्तीन डील होती है फिर औसलो अकॉर्ड होता है तो औसलो अकॉर्ड में इसराइल और फलस्तीन पीस प्रोसेस होती है और उसके बिहाफ में फिर जॉर्डन रिकोगनाइज़ करता है इसराइल को और फिर यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन बिगिन होते हैं यू ए ई केस में न्यू चीज़ ये है कि इसराइल ने पहले एनेक्सेशन का थ्रेट दिया कि हम वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लेंगे ये थ्रेट था बस रियलिटी नहीं हुआ और इस थ्रेट के बेसिस में फिर इसने विड्रॉ कर लिया उस थ्रेट को और फिर यूएई के साथ यहाँ पे रिलेशंस इसके बिगिन हो गए तो इस बात पे पैलस्तीन नाराज़ है और वो ये बोल रहा है कि ये ट्रीज़न है अब यू का देखें तो जियो ऑफ गल्फ़ नेशन ये चेंज होगा ईरान एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है यहाँ पे, बिकॉज ट्रेडिशनली एक सऊदी लीडर हो जाता है और एक यहाँ पे ईरान लीडर हो जाता है तो गल्फ़ और इधर यहाँ पे अक्सर टेंशनस होते हैं कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है बिकॉज टाइम चेंज हो रहा है यूएई, ए ई इसराइल इसराइल भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है सो दे आर ट्राइंग टू कम टुगेदर अरब कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने सिग्नल किया है कि दे आर रेडी टू लिव विद इसराइल ऑक्यूपेशन ऑफ फलस्तीन ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वॉट दे डू नॉट वॉन्ट इज अ मेजर चेंज इन द स्टेटस को विच वुड पुट दैम अंडर प्रेशर तो इसराइल ने थ्रेट किया थ्रेट वापस ले लिया तो दिस अरब कंट्रीज दे आर हैप्पी ये अभी एक बहुत बड़ा जियो पोलिटिकल गेम चल रहा है यहाँ पे सऊदी का जो ब्लॉक है कंजिस्ट इजिप्ट यूएई, बहरीन ये सारे के जो इंटरेस्ट है ना वो यूएसए के साथ काफ़ी ज्यादा है और इसराइल और यू की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और ये सपोर्ट भी करते हैं फलस्तीन को अरब पावर्स जो है वो हिस्टोरिकली अपहेल्ड था ड्विंडल हुआ यहाँ पे तो एक ब्लॉक तो ये हो गया सऊदी का दूसरा ब्लॉक है टर्की और ईरान टर्की और ईरान इमर्ज एज स्ट्रोंगेस्ट सपोर्टर ऑफ द फलस्तनी इन द मुस्लिम वर्ल्ड तो यहाँ पे भी एक फैक्शन डेवलप हो रहा है जियो हो रही है गेम यहाँ पे दिस अरब यहाँ पे तो ये जो सेक्शन है दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट ऑन इसराइल और ये जो सेक्शन है दे आर नॉट दैट सॉफ्ट और इनके भी आपस में राइवलरी है टेंशनस हैं तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है जो काफ़ी हद तक यहाँ की पूरी पीस प्रोसेस एंड एवरीथिंग को डिटरमाइन करेगा इसराइल यू पैक्ट एंड गल्फ हमारा ऑफिशियल स्टैंड क्या है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ये रिलीज किया है इसराइल इज अवर फ्रेंड दिस फलस्तीन इज अवर फ्रेंड हम प्रो फलस्तीन है इसका जो राइट है उसको हम रेज करते रहेंगे एंड यू ए इज ऑल्सो अवर फ्रेंड तो दिस इज अवर स्टेटस अब ये जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस वर्डिक्ट ऑफ विमेन राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पे बताया है बेसिकली जो कोपारसनरी प्रॉपर्टी होता है ये इवॉल्व कैसे हुआ अभी जो नया चेंजेस आए इसमें क्या कुछ चेंज होगा सबसे बड़ा जो चेंज होगा ना वो होगा दिस सोसाइटल कंडीशनिंग मेंटल कंडीशनिंग वैल्यू सिस्टम ये जो मैसेज जा रहा है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कि बाय बर्थ गर्ल चाइल्ड इज इक्वल टू बॉय चाइल्ड देन ये है कमला हैरिस कमला हैरिस यूएस वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट उनको बाइडन ने ऑफर किया है रनिंग मेट काउंसिल ऑफ एल्डर्स ये भी अभी न्यूज में है लोया जिरगा ये कहाँ पर होता है अफगानिस्तान में होता है ये ट्राइबल्स हैं काउंसिल ऑफ एल्डर्स हैं बिकॉज अफगानिस्तान में भी काफ़ी चर्न हो रहा है फाइटिंग हो रही है एवरी तो दे आर ट्राइंग टू एंश्योर दिस पीस प्रोसेस और उसके लिए ये काउंसिल ऑफ एल्डर्स लोया जर अभी आया था दिस इज धोनी धोनी मीन वाल कल uh, कल अनाउंस हुआ इंस्टाग्राम में कि धोनी फाइनली अभी रिटायरमेंट ले रहे हैं धोनी बिट जड यू लीव्स बिहाइंड लास्टिंग लेगेसी फॉर्मर इंडियंस कीपर है उज 2000 वर्ल्ड कप एंड टू थाउजेंड 2013 चैंपियंस ट्रॉफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट स्ट्रेंथ क्या था का स्टे स्टे फोकस्ड एंड एवर गिव अप गिव अप नहीं करता था यह हमेशा लास्ट बॉल तक ही यूज टू ट्राई कि जीत जाएंगे जीत जाएंगे धोनी है अभी हो सकता है तो दीज आर सम वेरी गुड लीडरशिप स्किल्स टे कम फोकस एंड नेवर एवर गिव अप लास्ट बॉल लास्ट तक स्ट्रगल करना है हम पेपर भी लिखते हैं कई बार हम लास्ट में गिव अप हो जाते हैं स्लो हो जाते हैं नो हर एक क्वेश्चन मैटर करता है अगर आप हंड्रेड क्वेश्चन भी देख रहे हो ना वो भी अगर आपने करेक्ट कर लिया तो टू मार्क्स बढ़ जाएंगे यहाँ अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो माइनस टू पॉइंट सिक्स सिक्स हो जाएंगे तो लास्ट बॉल तक वी एवरी क्वेश्चन मैटर्स फोकस एंड प्ले मेरिट पे खेलना है हमें गेम भी कितना अच्छे से ये फ्लक्चुएट करता था कब एक्सेलरेट करना है कब काम डाउन करना है कब गियर चेंज करना है दिस थिंग वी शुड लर्न एक्सिलेंट लीडरशिप सो दिस इज द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में वी हैव कवर्ड दिस नेपाल ऑली ने कॉल किया था नेपाल प्राइम मिनिस्टर दिस वी हैव कवर्ड दिस एड्रेस बाय प्राइम मिनिस्टर दैन ये पेज नंबर थ्री है दिस इज अबाउट इंडिपेंडेंस डे ऑक्सीमीटर सप्लाई होगा ये नंबर फाइव है डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया हमने सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस डे इंटरलोक्यूटर नागाटॉक सभी हर्डल्स आ रहे हैं देन संडे न्यूज है यूजली संडे का द हिंदू बहुत अच्छा आता है द हिंदू इज एक्सिलेंट संडे का मिस कभी नहीं करना चाहिए दिस इज अबाउट फटीग और ये है दिस इज एम एस धोनी कामनेस हेल्प हिम बिकम सक्सेसफुल सचिन ने कहा काम स्टे काम सो इसके बाद हम आते हैं इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट में सी यहाँ से सेसमिक वेव्स हुआ कुछ कंपन हुआ भूकंप टाइप कुछ चीज़ें आई प्लेट्स में अगर अचानक एनर्जी रिलीज हुई तो वो एनर्जी रिलीज से बनती है सेसेमिक वेव्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स प्राइमरी मतलब पहले बनेगी सेकेंडरी मतलब बाद में बनेगी अब ये जैसे इपी सेंटर है प्राइमरी वेव्स जो होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रैवल कर सकती है सेकेंडरी वेव केवल और केवल सॉलिड में ट्रैवल करेगी तो जैसे यहाँ से प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स ये ऐसे जनरेट हुई ओके प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स ये एरिया जब आया दैट इज़ आउटर कोर आउटर कोर है लिक्विड अब हमें पता है सेकेंडरी वेव्स लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकती तो सारी सेकेंडरी वेव्स यहाँ पे ब्लॉक हो गई अगर सारी सेकेंडरी वेव्स यहाँ पे ब्लॉक हो गई तो ये जो पूरा जोन है यहाँ पे सेकेंडरी वेव्स कभी दिखेंगे ही नहीं या मेजर ही नहीं कर पाएंगे तो ये पूरा जोन हो जाता है कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एस वेव नहीं आएगी सेकेंडरी वेव नहीं आएगी सेकेंड प्राइमरी वेव ऑल दो सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकती है बट डेंसिटी तो अलग है ये D1 है ये D2 है अगर डेंसिटी अलग है तो यहाँ पे क्या होगा दिस रिफ्रैक्शन होगा बेंडिंग होगा लिक्विड आउटर कोर है सॉलिड से लिक्विड में आया तो बेंडिंग होगा बेंडिंग होगा फिर लिक्विड टू सॉलिड फिर से जा रहा है तो फिर से बेंडिंग होगा तो ये एक पोर्शन हो जाता है जहाँ पे शेडो हो जाता है और यहाँ पे डायरेक्ट पी वेव्स नहीं मिलती वाई बिकॉज यहाँ पे बेंडिंग हो गई है तो इन सेस्मिक वेव्स के पैटर्न से हमने आइडेंटिफाई किया था कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड इन नेचर है दिस इज इपी सेंटर नो डायरेक्ट एस वे वन फोर्टी टू दिसन फोर्टी हंड्रेड एंड फाइव टू हंड्रेड एंड फाइव दिस इज द थिंग अब ये जो वेव्स आती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जो प्राइमरी वेव्स होती है ना दे आर लाइक साउंड कंप्रेशन रेयर फैक्शन कंप्रेशन रेयर फैक्शन कंप्रेशन ऐसे करके आगे बढ़ती है ये एक्सपेंशन कंप्रेशन एक्सपेंशन कंप्रेशन ओके तो ये आगे बढ़ रही है और ऐसे ऐसे करके ये ऐसे आगे बढ़ रही है तभी ये सॉलिड और लिक्विड में भी ट्रैवल कर पाएंगी तो ये पी वेव्स हुई एस वेव्स होती है ना ये अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये ऐसे इसका मोशन होता है सी इस टाइप का मोशन हो रहा है तो इस टाइप का मोशन हो रहा है दैट इज़ बाई ये केवल सॉलिड में ट्रैवल करती है ये प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स का मोशन ऐसे होता है अब जो रेले वेव्स होती हैं रेले वेव्स जनरेट होती हैं ये ऐसे रोटेशनल इन नेचर होती है तो जो रेले और लव वेव होती है ना ये डिज़ास्टर ज़्यादा करती है डैमेज ज़्यादा करती है प्राइमरी वेव यूजुअली इतना डैमेज नहीं करती इतना इम्पैक्ट इसका दिखता नहीं है ग्राउंड पे बट इसका इन दोनों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है रेले में क्या होता है रोटेशनल होता है और जो लव वेव होता है उसमें ऐसे साइडवेज ऐसे ऐसे करके ट्रैवल होती है सी एक इधर एक इधर तो सी कितना ज़्यादा जमीन को डैमेज कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होगा दिस लव वेव रेले वेव एस वेव और ये है पी वेव अब ये वोकेबुलरी है लेगेसी का मतलब होता है विरासत दैट इज योर लेगेसी जेपरडाइज का मतलब होता है कि आपने उसे खतरे में डाल दिया है जोखिम में डाल दिया है संकट में डाल दिया है और रेकरेंट अभी हमने रेकरेंट वर्ड देखा था रेकरेंट मतलब जो बार बार होता है रेकरेंट अटैक ऑफ दिस कोविड नाइनटीन बार बार घटने वाला दैट इज कॉल्ड दिस रेकरेंट रेकरेंट अकाउंट्स भी होते हैं रैमपेंट रैमपेंट मतलब वो बहुत अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहा है रैमपेंट अटैक ऑफ दिस को स्टेव स्टेव का मतलब होता है टालना ड्रामेटिक एक्शन कैन स्टेव ऑफ दिस डिजास्टर दिस इज स्टेव स्टाइव सो यह बात है दिस वोकैबुलरी दिस स्टाइव यह है रैमपेंट यह है रेकरेंट यह है जेपरडाइज और यह है लेगेसी ये है अपनी वेव्स दीज आर वेव्स प्राइमरी सेकेंडरी रेलए एंड लव ये है इज़राइल यू ए पैक्ट एंड गर्ल्फ हर्डल्स टू नागा पीस वॉट इज स्मेल पंजन क्यों है चाइल्ड एवरी चाइल्ड इज स्पेशल टी सेल इम्यूनिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेट एस ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन देन दिस इज वो मोटो केमिकल इंडस्ट्री और ये है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन और ये फाइनली रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट में प्राइम मिनिस्टर मैसेज So this is 16th of August 2020 thank you so much for watching this video take care study well and be safe